नमस्कार, स्टार अभी तक चैनल में आपका स्वागत है। खबर जिला नियंत्रण कक्ष से है, जहां पर डायल 100 एवं अन्य सुविधाएं जो पब्लिकली देनी है पुलिस को, उसका शुरुआत किया गया है। उसमें आज पुलिस अधीक्षक ने पूरा नियंत्रण कक्ष का पूरा जायजा लिया, वहां के कंप्यूटर को देखा, वहां के नियंत्रण कक्ष को देखा एवं सुचारू रूप से कार्य हो इसको लेकर वहाँ पदस्थापित पदाधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पब्लिक की जो भी समस्याएं आती है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाए, साथ ही नियंत्रण कक्ष से सभी तरह की सुविधाओं का उन्होंने जायजा लिया। उन्होंने इस मौके पर बातचीत में बताया कि इसमें कोई भी पब्लिक अपनी समस्याओं के बारे में बता सकते हैं, साथ ही किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई भी मारपीट का मामला हो या कोई घटना दुर्घटना हो, तुरंत सहायता के लिए जिला नियंत्रण कक्ष में डायल 100 का इस्तेमाल कर सकते हैं। नियंत्रण कक्ष में अत्याधुनिक सुसज्जित तरह से कंप्यूटर लगाए गए हैं, साथ ही नियंत्रण कक्ष पूरी तरह से काम कर रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, चलते सुने। स्थापित की जा रही है, इसकी तैयारी की जा रही है और हम लोग यहाँ संयुक्त रूप से जिला का एक कंपोजिट कंट्रोल रूम जल्द ही आरंभ करने जा रहे हैं। उसकी तैयारी से जायजा लिया जा रहा था, कैसे सदन उपलब्ध कराए गए हैं और कैसे सदन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और जल्द ही हम लोग एक कंपोजिट कंट्रोल रूम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, ताकि जिला में जो भी घटनाएं घट रही है और उसके संबंध में त्वरित आशूचना से कार्रवाई की जा सके। 100 डायल है, 112 डायल है और जिला का कंट्रोल रूम है, तो ये घटना घटेगी तो सूचना मिलने के बाद तो जैसे कौन कौन सी शिकायतें जैसे कर सकते हैं लोग यहाँ पर, जैसे पब्लिक लोग है, कहीं आग उग लग गई, कहीं मारपीट हो रहा है, कहीं गाड़ी उड़ी से एक्सीडेंट हो गई, उसमें सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई नियंत्रण कक्ष से होगी। जी, नियंत्रण कक्ष नेट है, 112 टीम जो है, तीनों से मतलब जहाँ से भी आ जाता है वहाँ से हम लोग तुरंत अपना थाना वाले को सूचित करके भेज देते हैं।